हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे कन्फाइंड स्पेस क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद जानेंगे व्हाट आर द हजार्ड ऑफ कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हजार्ड है उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जानेंगे व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस की जरूरत है। नेक्स्ट जानेंगे प्रोसीजर फॉर कन्फाइंड स्पेस एंट्री, कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने के लिए क्या प्रोसीजर है। और उसके बाद जानेंगे मेक्स योर एंट्री इनटू कन्फाइंड स्पेस, तो कन्फाइंड स्पेस पे एंट्री के पहले क्या क्या इंश्योर करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज अ कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस क्या है। कन्फाइंड स्पेस इज ए प्लेस डैट इज लार्ज इनफ एंड सो कन्फिगर डैट एम्प्लॉय कैन बोल्डली इंटर एंड परफॉर्म असाइनिंग वर्क। इसका मतलब है कि ये इतना बड़ा होता है और कन्फिगर होता है कि आदमी उसके अंदर जा सकता है, इंटर कर सकता है और उसको तो जो दिए गए काम होता है उसको कर सकता है। नेक्स्ट इसका जो डिफिनेशन हैज लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मीन्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। मतलब इसमें जो होता है एंट्री और एग्जिट जो होता है लिमिटेड होता है, ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि टैंक आपने देखा होगा, वेसल्स में इस तरह के देखे जाते हैं, साइलोज में देखे जाते हैं, पिट्स में देखे जाते हैं, वॉल्ट्स में देखे जाते हैं, हॉपर में देखे जाते हैं। इन सारे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं सब में लिमिटेड मीन्स ऑफ एंट्री और एग्जिट होती है। थर्ड जो पॉइंट है, इट इज नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्युपेंसी। मतलब ये डिजाइन इस तरह से नहीं किया गया कि इसमें कंटिन्यूअस काम किया जा सके। एक कुछ ही समय के लिए उसमें जाके जॉब को परफॉर्म करना है और फिर वापस आना है। नेक्स्ट है कंटेन और हैज पोटेंशियल टू कंटेन हजार्डस एटमोसफेयर। तो इसमें क्या है, हजार्डस एटमोसफेयर हो सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल है हजार्डस एटमोसफेयर का। और नेक्स्ट जो इसका डिफिनेशन है, कंटेन मटेरियल डेट हैज पोटेंशियल फॉर इनगल्फमेंट ऑफ इंट्रैपमेंट। तो इसमें कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल होती है कि वो इनगल्फमेंट वहाँ पे कर सकता है, इंट्रैपमेंट हो सकता है, उसके अंदर दब सकता है, फंस सकता है। तो ये इतने सारे हैं जो पॉइंट दिए गए हैं, अगर ये क्राइटेरिया सब फुलफिल होता है तो ये कन्फाइंड स्पेस है। नेक्स्ट देखेंगे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि टैंक्स है, मैन होल्स हैं, वॉल्ट्स हैं, पाइप्स हैं, ट्रेंचेज हैं, टनल्स हैं, डक्ट्स हैं, विंस हैं। तो ये सारे हैं जो कन्फाइंड स्पेस के एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि व्हाट आर द हजार्ड ऑफ कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं। जब काम करने के लिए जाना है तो उन हजार्ड से अवगत होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको पहले उससे निपटना जरूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल गैसेस, यहाँ पे टॉक्सिक गैसेस या फ्लेमेबल गैसेस हो सकते हैं, हजार्ड एटमोसफेयर हो सकते हैं। मतलब ये जो टॉक्सिक गैस है फ्लेमेबल गैसेस है, तो यहाँ पे हजार एटमॉस्फेयर मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशियंसी एंड रिजेंट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। डिफिशियंट ऑफ एक्सेसिव ऑक्सीजन लेवल, मतलब ऑक्सीजन में कमी भी हो सकती है, यानी 19.5 से कम भी हो सकता है, और एक्सेसिव ऑक्सीजन लेवल मतलब 23.5 से ज़्यादा भी हो सकता है। एक्सेसिव हीट वहाँ पे होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा, जिसे बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे। स्लिप ट्रिप एंड फॉल्स का वहाँ पे प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो ओवर प्रोजेक्टेड रहते हैं, एरिया स्लिपरी होता है और बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ चोट लगने का डर रहता है। इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है काम करने के लिए। पुअर विजिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि वहाँ काफ़ी अंदर है जो कि लाइटिंग की व्यवस्था, बाहर जैसे लाइट वहाँ पे नहीं रहते तो वहाँ पे है जो पुअर विजिबिलिटी हो सकती है। बायोलॉजिकल हजार्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस के अंदर बहुत सारे कीचड़ और दूसरे तरह के चीज़ें होते हैं, तो वहाँ पे बायोलॉजिकल हजार्ड हो सकता है। फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है, कि वहाँ के बहुत सारे हैं जो फ्लेमेबल गैसेस, टॉक्सिक गैसेस ये सब अवेलेबल रहते हैं, तो वहाँ पे फायर एंड एक्सप्लोजन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। पुअर वेंटिलेशन हो सकता है, और पुअर वेंटिलेशन के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये सारे जो हैं कन्फाइंड स्पेस के हजार्ड्स हैं। सफोकेशन हो सकता है वहाँ पे, हवा अगर वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है तो उस केस में, या कोई दूसरे गैस है जो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहा है तो उस केस में वहाँ पे सफोकेशन भी हो सकता है। तो ये सारे जो हैं वे कन्फाइंड स्पेस के हजार्ड्स हैं। चलिए अब देखते हैं इसके
प्रिकॉशंस क्या लेना है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन की आवश्यकता है, तो सबसे पहले देखेंगे सेफ वर्क प्रोसीजर होना चाहिए, यानी SOP, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, या उसका मेथड स्टेटमेंट बना हुआ होना चाहिए कि अंदर जाना है तो किस तरह से काम करना है। दूसरा PTW होना चाहिए, परमिट टू वर्क लेना जरूरी है। रिस्क असेसमेंट उसका किया जाना चाहिए, जॉब सेफ्टी एनालिसिस किया जाना चाहिए, कन्फाइंड स्पेस ट्रेनिंग देना चाहिए, जितने भी क्रू अंदर जाने वाले हैं या कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाले हैं उनको स्पेशल कन्फाइंड स्पेस का ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, और जिस समय एंट्री ले रहे हैं उस समय कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हजार्ड क्या है, उससे बचना कैसे है, इसके बारे में उनका TVT भी किया जाना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देखना जरूरी है सभी वर्करों का जो अंदर जाने वाले हैं। उसके बाद है साइनेज एंड बैरिकेड्स लगाने हैं, पार्टिकुलर कन्फाइंड स्पेस पर अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ साइनेज लगा दें कि यहाँ कन्फाइंड स्पेस में काम हो रहा है और उस एरिया को बैरिकेड करना जरूरी है। फायर सेफ्टी प्रोविजन होना चाहिए, अगर वहाँ पे आग लगती है तो उसको इमीडिएट उस पर एक्शन कैसे लिया जाए। नेक्स्ट है गैस टेस्ट बाई ऑथोराइज पर्सन AGT, तो गैस का टेस्ट होना चाहिए, AGT मतलब ऑथोराइज गैस टेस्टर, तो एक एक जो होता है अप्रूव्ड व्यक्ति होता है जिसके द्वारा गैस टेस्टिंग किया जाता है, गैस टेस्ट करके पता लगाया जाता है कि अभी अंदर का एटमोसफेयर क्या है। उसके बाद होल वाचर विथ एंट्री एंड लॉग एग्जिट, तो वहाँ पे होल वाचर का एबिलिटी होना चाहिए और उसके साथ ही होल वाचर के पास में एंट्री एंड एग्जिट लॉग शीट होना चाहिए, यानी जितने आदमी जा रहे हैं वो साइन करके जाएंगे और जितने आदमी फिर बाहर आते हैं वो भी साइन कर देंगे, उससे क्लियर होगा जितने आदमी गए थे वो बाहर आए या नहीं आए। उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सफोकेशन प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम होनी चाहिए। लाइट प्रॉपर होना चाहिए, इल्यूमिनेशन की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट वहाँ पे होना चाहिए, इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान होना चाहिए यानी कि ERP, इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट होना जैसे कि स्ट्रेचर, हार्नेस, ट्राईपॉड, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपैरेटस एंड फर्स्ट एड किट। उसके बाद आइसोलेट एनर्जी सोर्सेज, तो एनर्जी सोर्सेज जितने भी है चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो उनको आइसोलेट करना जरूरी है इसके अंदर काम करने के पहले, नहीं तो इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो सकते हैं। फिर प्रोविजन ऑफ वेंटिलेशन का प्रोविजन देना जरूरी है, क्योंकि वेंटिलेशन अगर नहीं रहेगा तो उस केस में वहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाएगा। टेस्टिंग ऑफ एयर का टेस्ट होना चाहिए कि काम करते करते एयर में क्या क्या प्रॉब्लम आए हैं, वहाँ पे टॉक्सिक गैस जमा हुए हैं या क्या हुए हैं, ये फ्लेमेबल गैस उसके अंदर हो गया है, तो इसके लिए ऑक्सीजन जो एयर का टेस्ट है जो टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। प्रोविजन ऑफ स्पेशल टूल्स एंड लाइटिंग, तो यहाँ पे इसका भी प्रोविजन दिया जाना चाहिए, जो भी स्पेशल टूल्स की आवश्यकता होती है उसको अवेलेबिलिटी किया जाए या लाइटिंग का अरेंजमेंट अच्छे से किया जाए। उसके बाद है प्रोविजन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कन्फाइंड स्पेस में जो जो PPE की आवश्यकता होती है उसका प्रोविजन होना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रोसीजर फॉर कन्फाइंड स्पेस एंट्री, कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए, तो सबसे पहले जो मेन जो है वो PTW होना चाहिए। PTW करने से उसमें सारे चीज़ कवर हो जाते हैं कि क्या क्या कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करना है, किन किन चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है, ये सारे चीज़ उसमें क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है जो TBT करना जरूरी है स्क्रू को अंदर जाने के पहले। उसके बाद अटेंडेंट जो होता है स्टैंड बाई मैन, यानी जिसको बोल सकते हैं होल वाचर, तो अटेंडेंट वहाँ पे रहेगा स्टैंड मैन और वो नीचे वाले लोगों से उसका कांटेक्ट रहेगा, कम्युनिकेशन किया जाता रहेगा अंदर क्या स्थिति है अभी। उसके बाद अटेंडेंट शुड बी ट्रेंड, लेकिन जो अटेंडेंट जो प्रोवाइड यहाँ पे किया जाएगा वो ट्रेंड होना चाहिए, कन्फाइंड स्पेस के बारे में उसको सारी जानकारी होनी चाहिए। एंड ए भी है कि ऑथोराइज टू यूज गैस टेस्टिंग इक्विपमेंट, और गैस टेस्टिंग इक्विपमेंट को टेस्ट करने के लिए मतलब उससे जो बार बार जो टाइम टू टाइम रीडिंग लेने के लिए ऑथोराइज होना चाहिए, मतलब उसको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है 24 वोल्ट लैंप इक्विप विथ ELCV RCC, जो उसमें हम 24 वोल्ट का लैंप का इस्तेमाल करेंगे उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो वो भी है जो कि RCC और ELCV से इक्विप्ड होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे इमरजेंसी रेस्क्यू टीम शुड बी अवेलेबल, इमरजेंसी रेस्क्यू शुड होना चाहिए कि अगर कोई भी वहाँ पे इमरजेंसी होता है तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। और नेक्स्ट जो होगा बैरिकेड द एरिया विथ वार्निंग साइन बोर्ड, एरिया को बैरिकेड करना है विथ वार्निंग साइन बोर्ड के साथ। चलिए अब देखते हैं
क्या क्या हमको मेक्स योर एंट्री इन टू कन्फाइंड स्पेस, तो क्या क्या मेक्स योर करना है। बहुत सारे प्रिकॉशन हमने अभी तक प्रोसीजर पर कन्फाइंड स्पेस में ले चुके हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं, PTW को इंश्योर करना है, गैस टेस्टिंग को इंश्योर करना है ताकि इंटरनल एटमोसफेयर का क्या स्थिति उसका पता लगाया जा सके। आइसोलेशन ऑफ एरिया करना है, मतलब आइसोलेशन ऑफ एरिया प्लस आइसोलेशन उसके अंदर जो इमरजेंसी जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सोर्सेस होते हैं उनको बंद करना, वेंटिलेशन प्रोविजन होना चाहिए ताकि अंदर सफोकेशन का प्रॉब्लम नहीं हो और कोई दूसरे भी गैस जो जनरेट हो रहा है वो बाहर निकल जाए। और उसके बाद TBT है जो मेन है, करना जरूरी है कि अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो इन सारे चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कन्फाइंड स्पेस क्या है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर हजार्ड्स क्या क्या हैं, उन हजार्ड से बचने के लिए प्रिकॉशंस क्या क्या है, प्रोसीजर पर कन्फाइंड स्पेस एंट्री क्या क्या है, और उसके बाद मेक्स योर एंट्री इनटू कन्फाइंड स्पेस यानी कन्फाइंड स्पेस में एंट्री के पहले क्या क्या इंश्योर करना चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे में अभी मैंने हम लोगों ने जाना। तो चलिए आप, मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।